नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारे YouTube चैनल पर डिस्कस करेंगे एक दिल्ली हाई कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में। जजमेंट जो है वो जियान इंटरनेशनल के केस में आया, जियान इंटरनेशनल वर्सेस कमिश्नर दिल्ली GST, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। पिटिशनर जो था जियान इंटरनेशनल था, उसने ये दिल्ली हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास कहा कि हमने एक एप्लीकेशन रिफंड की फाइल की है और एज पर रूल 90 सब रूल 2 15 दिन के अंदर अंदर या तो हमें एक्नॉलेजमेंट RFD 02 में इशू हो जाना चाहिए था या डेफिशिएंसी मेमो RFD 03 में इशू हो जाना चाहिए था, जो कि हमें अभी तक नहीं हुआ। और उन्होंने ये भी इस बात को भी हाईकोर्ट के नजर में ये बात भी डाली कि सेक्शन 54 सबसेक्शन 6 और रूल 91 सब रूल 2 के अनुसार 7 दिन के अंदर अंदर आपको 90% ऑफ दी रिफंड जो भी आपका है वो आपको डिसबर्स हो जाना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। तो हाईकोर्ट ने इस बात को कॉग्निजेंस लिया, रिट एप्लीकेशन के फाइल हुई थी जियान इंटरनेशनल के केस में, और रिस्पोंडेंट्स ने जो बेसिकली द गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने इसके ऊपर 2 डेट्स भी ली फॉर टेकिंग फर्दर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द डिपार्टमेंट। फाइनली उन्होंने ये कहा, रिस्पोंडेंट्स ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने, कि भाई आप ऑनरेबल हाईकोर्ट से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमें जो है डेफिशिएंसी मेमो इशू करने का आप राइट दीजिए। तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि भाई देखिए ऐसा है, अब डेफिशिएंसी मेमो इशू नहीं हो सकता, आप इतने दिन से इस एप्लीकेशन के साथ बैठे हुए हैं, हम अज्यूम करते हैं कि ये एप्लीकेशन वुड बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, तो अब डेफिशिएंसी मेमो तो आपको इशू नहीं किए देने जा सकता, अब आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर इस रिफंड को रिलीज कीजिए विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 56 जो भी बनता है उसके साथ कीजिए। तो अगर वो डेफिशिएंसी मेमो इशू करने देते तो फिर से फर्दर प्रोसीडिंग्स, उनको री एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती, री एप्लीकेशन के बाद जो ब्याज है वो ग्रांट के बाद, अगर डिसबर्सल ऑर्डर के बाद अगर आपको रिफंड नहीं मिलता तो ब्याज तब से लगता। तो हाईकोर्ट ने इस बात का कॉग्निजेंस लिया और अपने ऑर्डर में भी लिखा कि हम आपको डेफिशिएंसी मेमो इशू नहीं करने देंगे, अदरवाइज जो पिटिशनर है उसके ब्याज का जो अधिकार है, इंटरेस्ट का जो राइट है, लेजिटिमेट राइट है, वो उससे छिन जाएगा। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग कानून है उसका इन्वोकेशन हाईकोर्ट को इंटरवीन करके करना पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है, मेरी रिक्वेस्ट है सभी लॉ मेकर से, एडमिनिस्ट्रेटर से, कि जो कानून है उसका पालन किया जाए। कानून जो है वो चाहे टैक्स पेयर के लिए हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हो, दोनों के लिए कानून तो सेम ही होता है। तो अगर आप रिफंड इशू नहीं करते हैं और फिर भी आप 15 दिन के बाद आप RFD 02 नहीं देते, 03 नहीं देते, तो फिर भी आप कोर्ट में जाकर ये बोलते हैं कि आप डेफिशिएंसी मेमो इशू करने दो हमें। आपका कानून है कि 15 दिन में अगर आपने नहीं किया तो आपको 15 दिन में इशू करना है, तो डेफिशिएंसी मेमो अब 15 दिन के बाद इशू नहीं हो सकता, दैट इज बियॉन्ड ए क्वेश्चन। इस जजमेंट से आपको काफी फायदा मिलने वाला है, ये जियान इंटरनेशनल वर्सेस कमिश्नर दिल्ली GST, 15 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन अगर आपको RFD 02 या 03 नहीं हुआ तो हम मान लेंगे कि सारी जो है आपका एप्लीकेशन इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स एंड रिफंड शुड बी ग्रांटेड इमीडिएटली। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा जजमेंट है, इट विल पेव द वे फॉर द जस्टिस फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑनेस्ट टैक्सपेयर्स। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हमारा YouTube चैनल देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।